This meeting is being recorded. आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज गीता का सत्र है। गीता का हमारा सातवां अध्याय चल रहा है। पांच श्लोक हो चुके हैं। आगे के श्लोक के लिए हमारे बीच इंदु जी आई हुई हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। इंदु जी, आप आए और हमें आगे के श्लोक के बारे में बताएं। धन्यवाद प्रज्ञा जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो इस गीता ज्ञान सत्र से जुड़े सभी गीता प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमन। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ मैं। तो जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि छठे अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा था। अर्जुन योगी भवा, है ना। तो उसके बाद हमने सातवां अध्याय शुरू किया था। तो उसने भगवान की ही वाणी के द्वारा ही सब अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो उसमें उन्होंने शुरू में कहा, तू मैया सत्त मना, मेरे में मन लगा, और मद आश्रय, मेरा ही आश्रय ले। और ऐसा अगर तू करेगा, मेरे में मन लगाएगा, मेरा ही आश्रय लेगा, संसार की तरफ अपना मन नहीं लगाएगा, उसका आश्रय ना लेके निराश्रित होकर मेरा ही आश्रय लेगा, तो मैं क्या करूंगा, तेरे लिए विज्ञान सहित जो तत्व ज्ञान है उसको मैं संपूर्णता से कहूंगा, और जिसको जानने के बाद भी कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर एक बार परमात्मा का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, ब्रह्मत्व का तत्व जान लिया, तो उसके बाद क्या शेष रह जाएगा जानने के लिए, कुछ भी नहीं, है ना। तो यही वो वहां पर कह रहे हैं कि मैं तुझे ऐसा ज्ञान और विज्ञान का ज्ञान दूंगा, विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा, जिसको जानकर कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। और फिर उसके बाद उन्होंने अपरा अपरा प्रकृति के बारे में बताया था कि यानी कि जो बाहरी अष्टधा प्रकृति है, और परा यानी कि जो मेरी चेतना है, सब कुछ जो है ये परम चेतना से ही इसकी जो मूल है वो परम चेतना ही है, चेतना के द्वारा ही सब कुछ आगे निर्मित है। तो यही बात हमने पत्री ब्रह्म ऋषि पत्री जी द्वारा एक रचित पुस्तक है तुलसी दल, उसमें भी यही बात बताई गई है। उसमें एक पूरा चैप्टर इसी पे है कि ये जो हमारा सजीव देह बना है, ये अपरा यानी कि शरीर और परा यानी आत्मा के संयोग के द्वारा ही बना है। और वास्तव में जो सृष्टि का मूल आधार है, जो ब्रह्म है, जो मूल चेतना ही मूल आधार है, और सारी सृष्टि जो है ये कॉन्शियसनेस परम चेतना का ही जो क्या है, विस्तार है। जो कुछ भी हम देखते हैं और जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, सब कुछ क्या है, मूल चेतना ही है। तो आगे हम आज चलते हैं। ये पांच श्लोकों तक का ये सार था जो हमने की पिछले सप्ताह में हमने देखा था। तो हम आगे चलते हैं। आज से सिक्स श्लोक से हम शुरू करेंगे। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम् कृत्स्नस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तदा। तो हमने ये जान लिया कि परा प्रकृति और अपर ने ही जो है अपरा प्रकृति को धारण किया है। तो इसी को आगे वो स्पष्ट करके कह रहे हैं, एतद्योनिनि, इन दोनों के संयोग से। इन दोनों कौन, जो हमारी पहले के श्लोक में बात आई, अपरा और परा प्रकृति। तो इन दोनों के संयोग से ही जो क्या है, सारी सृष्टि की रचना हुई है। तो सारे प्राणियों की रचना हुई है। भूतानी मतलब सारे प्राणियों की। तो प्राणियों में हम क्या समझते हैं, प्राणी हम किसको समझते हैं, जिसमें की प्राण शक्ति है ना, उसी को तो हम प्राणी कहते हैं। तो प्राणियों में क्या क्या आ जाता है, जितने भी जो हमारे जंगम हैं प्राणी, और दो तरह के प्राणी हम प्रत्यक्ष में देखते हैं। एक तो है जंगम। जंगम कौन से प्राणी होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे अपने अपने द्वारा जा सकते हैं, है ना। तो जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, ये क्या है, लोकोमोटिव है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और एक दूसरे हैं जो जैसे पेड़ पौधे घास है, वो स्थावर प्राणी उनको बोलते हैं, जो उनमें प्राण शक्ति तो है लेकिन वो अपनी मर्जी के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जितने भी भूत है, जितने भी प्राणी है, वो सब मेरी अपरा और परा प्रकृति से ही, के संबंध से ही
जो है वो उत्पन्न हुए हैं। तो सब प्रकृति, जितनी भी प्रकृति है, उन शरीरों में जो बीज है, जो बीज के रूप में है, अगर वो प्राणी के रूप में है तो जीवात्मा के रूप में है ना, वो अंश जो वो उसमें जो अंश है वो मैं ही हूँ, ये वो यहाँ पर बता रहे हैं। उसी बीज अर्थात जीवात्मा को भगवान ने यहाँ पर तारा प्रकृति का है और अपना अंश बता रहे हैं। ए तो दिनी भूतानी, उन सब सब जितने भी भूत हैं उनमें परा और अपरा प्रकृति का संयोग मेरे ही द्वारा हुआ है, मैंने ही उनकी सबकी रचना की है। अब आगे है सर्वानी त्यूप धारे, और इसी तरह ये तो हमने उस सृष्टि की बात कर ली जो हमको प्रत्यक्ष दिख रही है पृथ्वी पर, है ना, हम सब कुछ देख रहे हैं, तरह तरह के पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं इससे भी अधिक जितने भी लोक हैं, जैसे पाताल लोक माना जाता है, स्वर्ग लोक माना जाता है, यानी कि जो नभचर है, जलचर है, थलचर, जितने भी प्राणी है, कोई पानी में रहते हैं, कोई आकाश में रहते हैं, जिनको हम प्रत्यक्ष नहीं भी देख सकते, उन लोगों के भी जितने भी स्थावर जंगम, जितने भी देखो पानी के अंदर भी तो तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं ना, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, और बहुत तरह के, जैसे अब हमने देखा कि बहुत भी जो में उनका उत्पन्न हुए हैं वो सब मेरी अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही हुए हैं। इसको तुम व्युप धारे, इसको तुम धारण कर लो, इसको तुम अच्छी तरह, अर्जुन को कह रहे हैं कि इसको तुम अच्छी से समझ लो, इस परा और अपरा प्रकृति को समझना जो है, क्योंकि हम बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सारी सृष्टि इससे ही मिली है। अगर हम अपरा और परा को समझ लेंगे तो कुछ भी समझना हमारे लिए ये कठिन नहीं है। तो आगे यहाँ कह रहे हैं अहम त्रितस्य नस्य जगता प्रभा प्रलस्तथा, कि ये जो संसार है, इस संसार की सारी जो वस्तुएं हैं वो परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है, सब वो मेरे से ही उत्पन्न हुई है। तो सब जगत का जो है प्रभाव, प्रभाव मतलब उत्पन्न करने वाला, और प्रलय उसको लीन करने वाला, जो समाप्त करने वाला, तो उसका कारण जो है वो मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही सारा कुछ उत्पन्न होता है और बाद में मेरे द्वारा ही सब जो है समाप्त हो जाता है, सब उसका प्रलय जो होता है जो मेरे में ही सब लीन हो जाते हैं। तो ये इसमें बताया है। तो यहाँ पर ये इसका उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई घड़ा है, जब घड़ा है उसको बनाने वाला कौन होगा, कुम्हार, कुम्हार बनाता है घड़े को। और इसी तरह जैसे हम कोई सुनार है तो वो सोने की वस्तु बना रहे, कोई मूर्तिकार है वो मूर्ति को बना रहे, तो बनाने वाला तो कोई और है ना, सोना तो है लेकिन उसको बनाने वाला, इसी तरह कह रहे हैं भगवान की सब चीजों को बनाने वाला कौन है, मैं ही हूँ। और अगर जैसे लोहार एक लोहे को फरक फरक रूप दे देता है ना, तरह तरह के बर्तन बना सकता है, तरह तरह के अस्त्र बना सकता है, और इसी तरह सोने सुनार जो है वो भी एक सोने को लेके तरह तरह के आभूषण बना सकता है ना। और जब जैसे घड़ा अगर कुम्हार ने बनाया, लेकिन अगर वो घड़ा फूट गया तो वो क्या हो जाएगा, दोबारा मिट्टी हो जाएगा। तो वो इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो वास्तव में जो बनाने वाला भी मैं ही हूँ, और जो पहले जो वस्तु थी वो भी मैं ही हूँ, जो अंत में लीन हो जाएगी वो भी मैं ही हूँ। इस तरह सारे संसार में जो है ब्रह्म ही उत्पन्न करने वाला है, ब्रह्म में ही है और ब्रह्म में ही लीन हो जाता है जो सारा संसार है। इस सब को जानना क्या है, ज्ञान है। तो यहाँ भी ये, क्योंकि हमारा जो ये अध्याय है इसका नाम क्या है, ज्ञान विज्ञान योग है ना, तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ ज्ञान की भी बात कर रहे हैं और विज्ञान की भी बात कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये सब हमारा ज्ञान है, हमको पता चल गया कि क्या है, सब कुछ भगवान का है, भगवान से उत्पन्न हुआ है, भगवान में प्रलय हो गया, भगवान में लीन हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जब, और विज्ञान क्या है, विज्ञान ये कि जब हम उसको अपने हृदय से अनुभव करते हैं, जब अंदर से हम अनुभव करते हैं कि वास्तव में जो सारा संसार है, जो सारी सृष्टि है, वो भगवत स्वरूप ही है, भगवान के अलावा, ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं, ये अनुभव हो जाना, जब हम ध्यान के द्वारा हम अपने अंदर उतरते हैं, हमको अंदर से अनुभव होता है कि वास्तव में सब कुछ वही है और हम भी कुछ नहीं है, हम भी उसके ही अंश है ना, हमको कौन बनाने वाला कौन है, वही ब्रह्म है। तो ये जब हमको अनुभव हो जाता है तो यही विज्ञान,
और वास्तव में ये होना, ये अनुभव करना ही हमारा क्या है, ध्येय है ना। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि जितनी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दिखने वाली चीजें और नहीं दिखने वाली चीजें, जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, उसमें जो सारी शक्ति है वो किसकी है, ब्रह्म की है। वो ही एक है जो सर्वशक्तिमान है, और जितनी भी सृष्टि दिख रही है उसको बनाने वाला वही है, उसकी रक्षा करने वाला भी वही है और रक्षित भी वही है, जिसकी वो रक्षा कर रहा है वो भी वही है, क्योंकि अपरा और परा दोनों ही उसकी है ना। तो ये यहाँ पर बताया गया कि उसके अलावा और दूसरा कोई भी नहीं है। तो आगे चलते हैं हम, आगे भगवान कह रहे हैं, मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि घना इवा। तो मता मतलब मेरे, परतरम सिवाय नान्यतम दूसरा कोई भी नहीं है, किंचित असि न अस्ति, किंचित मात्र में भी इसमें संशय नहीं है कि मेरे सिवा और कोई दूसरा कहीं है, मेरे सिवा अन्य कोई दूसरा नहीं है। तो ये वहां पर अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं ही संसार का सबसे बड़ा महाकारण हूँ। क्योंकि जैसे वायु और आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है। अगर हमको स्पेस नहीं है तो हम वायु का अनुभव नहीं कर सकते है ना। स्पेस की जो है, वायु की जो है अलग से स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अगर वायु ना हो, वैक्यूम हो, तो आप जो आवाज आप कर रहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकती, तो उसकी अलग से सत्ता नहीं है। और इसी तरह जो भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, और ब्रह्मिस्त जो सब ब्रह्म के सिवाय संसार की अलग कोई सत्ता है ही नहीं, और मूल कारण भी वही है। और संसार अर्थात देश काल व्यक्ति वस्तु जितनी भी है सब परिवर्तनशील है। हमने देखा है कि हर एक भी कुछ ना कुछ परिवर्तन प्रत्येक क्षण पूरी प्रकृति में, जो अपरा प्रकृति है उसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक क्षण चेंज आ रहा है, सारी प्रवृत्तिशील है, परिवर्तनशील है। लेकिन जो परा प्रकृति है, जो जिसके होने से ये सारा कुछ होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि जो ब्रह्म है वो बिल्कुल क्या है, वो अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई भी कभी भी चेंज नहीं आता। तो यही हम, हमको ये हमने देखा भी है, हम इस रूप में भी ये जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो तो क्या है, परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण वो बदल रहा है। लेकिन जो हमारे अंदर का है, जो हमारी आत्मा है, वो क्या है, वो तो शाश्वत है ना। और इसका भी हम अनुभव के द्वारा ही हमको ये पता चलता है। तो यही हमको यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है कि जो मेरे द्वारा ही सब कुछ जो है वो रचा गया है। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। तो यहाँ पर बताइए कि जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सूत के ही, कोई रुई के ही अगर मणि बनाए गए हो, मोती अगर हमारे सूत के ही बनाए गए हो और सूत के धागे में ही जुड़े हुए हों, अगर हम सूत के धागे में सूत के ही मोती जो है उसमें पिरो दें, तो हमको क्या है, हमको वो देखने में तो अलग अलग दिखेंगे है ना। हम देंगे तो मोती है और ये हमारा जो है धागा, इसमें पुरोए गए हैं, लेकिन वास्तव में उसका तत्व अगर देखा जाए तो जैसे वो भी सूत का बना है और वो जो मणि है वो भी सूत का है, और जो उसमें पिरोया गया है वो भी क्या है, धागा जो बने, जो तत्व है दोनों का वो क्या है, एक ही है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ही संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके जो है नाम रूप आकृति स्वभाव सब कुछ वो अलग अलग है, अलग अलग दिखते हैं हमको, देखने में अलग अलग दिखते हैं ना, लेकिन उसमें जो व्याप्त जो चेतन तत्व है वो केवल मैं ही हूँ, वह कोई और नहीं है, सब में मैं ही हूँ। अगर कोई जिस तरह की सूत व्याप्त है मनियों में, अगर सूत के ही मनी बने हुए और सूत का ही धागा है तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन देखने में हमको बहुत अंतर लगता है। तो ये जो अगर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जो मोती बने हुए और वो अपरा प्रकृति है, और जो धागा है जिसके अंदर वो पिरोए गए हैं वो क्या है, परा प्रकृति है, लेकिन है वो वास्तव में दोनों ही किसके बनाए हुए, सूत के धागे के बने हुए। तो इस तरह हमने ये समझा कि जो जीव है ना, और जो प्रकृति है, दोनों ही किसके हैं, भगवान ने ही बनाए हुए, ब्रह्म ही सर्वस्व है, उसको बनाने वाला भी वही है।
तो ये हमको यहाँ पे पता चला है कि हम अलग अलग, हमको सब देखने में देखो सबकी शक्ल सब कुछ ही हमको अलग अलग दिखता है ना। प्रकृति में भी हम देखते हैं ये पौधे हैं, ये मनुष्य हैं, ये जीव जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कितनी अलग 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 दिखता है, लेकिन वास्तव में सब में क्या है, वही चेतना है ना। वो जो चेतन तत्व है, चेतनता है, वो सब में कॉन्शियसनेस जो है वो सब में क्या है, वो एक ही है। तो यही हमको यहाँ पे ज्ञान मिल रहा है और यही हमको जो है वास्तव में समझना भी है। आगे चलते हैं हम। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषम नृषा। तो यहाँ पे आगे वो कह रहे हैं रसो रसोहम अप्सु कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र यानी कि अर्जुन, जो रसोमह सु, जो जल में जो रस है, जल में जो रस होता है, जो सरसता होती है, वो जल में जो रस की तन मात्रा है, हमने आपको अगर याद होगा पिछली बार हमने पिछले अध्याय में हमने तन मात्राओं की बात करी थी, है ना, कि जितने भी जो हमारे ये बाहर के हैं अग्नि जल पृथ्वी, इन सब की तन मात्राएं हैं जो सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर रहती हैं, जिसके द्वारा कि हम अनुभव करते हैं, क्योंकि रस तो है जैसे जल में है, किसी में भी रस तो है, लेकिन उसको जो हम अनुभव करते हैं सूक्ष्मता से अनुभव करते हैं, उसको बोलते हैं तन्मात्रा। तो ये जो वो कह रहे हैं कि जो रस, जो जल में जो सरसता है, जो उसकी तन्मात्रा, जिसके द्वारा हमको जो संतुष्टि सी मिलती है, जो हम अनुभव करते हैं सरसता, वो जो गीलापन है वो कौन है, वो मैं ही हूं। जो उसमें मतलब जितनी भी चीजें हैं उनकी जो सूक्ष्मतम, जो जिसको आजकल कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर से भी सूक्ष्मतम जो है वो मैं ही हूँ। मैंने ही जो उसमें जल में जो गीलापन है, जो सरसता है, जब हम जल पीते हैं हमको कितनी संतुष्टि आती है, जो हमारा गला भी सूखता है तो हम कहते हैं जल पियो, सरलता वो तरावट आ जाए, है ना। तो वो क्या है, वो गीलापन जो उसकी तन मात्रा है वो मैं ही हूँ। अगर उसमें से जल में से उसका जल तत्व निकाल दिया जाए, उसमें सरलता उसकी सरसता निकाल दी जाए, तो क्या है, वो जल रहेगा ही नहीं। तो जो सूक्ष्मतम भाग है वो मैं ही हूं। और इसी तरह आगे वो कह रहे हैं प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, जो शशि मतलब चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश करने की एक विलक्षण शक्ति है वो मैं ही हूं। तो उस शक्ति को यहाँ पर प्रभा कहा गया है। जो शशि, जो सूर्य और चंद्रमा जी हमको उसका जो प्रकाश दिखता है, जो अलग ही तरह का, हमने देखा ना अलग ही तरह का, इतना प्रकाश तो हम कभी सूर्य के जितना प्रकाश कोई कर सकता है, जितनी मर्जी एनर्जी आप इकट्ठी कर लो पर उसके जितना प्रकाश हम कर ही नहीं सकते। जो उस प्रकाश में जो प्रभा है, जो प्रकाश का तत्व है, वो मेरा ही क्या है, वह मेरा ही स्वरूप है। तो यहाँ पर भी एक जो प्रकाश है वो उसका ही दिया हुआ है। और जब देखते हैं कभी कभी हम प्रकाश नहीं आ रहा है ना, जैसे बादल से हो जाते हैं, तो वो उसी में छिप जाता है प्रकाश। प्रकाश तो होता है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। तो अगर ऐसे ही वो कह रहे हैं कि अगर चंद्रमा का भी इसी तरह प्रकाश है, कितना हमको शीतलता देता है, तो अगर सूर्य और चंद्रमा से प्रकाश को निकाल दिया जाए, क्योंकि उनका मेन तत्व क्या है, प्रकाश है, तो अगर हम प्रकाश को निकाल लेंगे तो क्या सूर्य और चंद्र रह जाएंगे, वो तो कुछ बचेंगे ही नहीं। उसमें उनका तत्व क्या है, प्रकाशत्व, उनकी जो प्रभा है वही उसका जो है मेन तत्व है। तो कह रहे वो चंद्रमा और सूर्य का जो प्रभा तन्मात्रा है, जो प्रभा का सूक्ष्म रूप है, वो मैं ही हूँ, मैंने ही उनको प्रकाशित किया है। तो एक बात यहाँ पर और भी समझने की है, थोड़ा इससे अलग हटके है, कि जो रूप तन्मात्रा होती है इसकी दो शक्तियां होती हैं। ये जो सूक्ष्म तत्व हम बता रहे हैं यहाँ पे प्रभा, उसकी दो शक्तियां, एक तो होती है उसकी प्रकाशिका, प्रकाशिका शक्ति जो होती है वो प्रकाश देने वाली है। जैसे प्रकाश हमको, जैसे किसी चीज से प्रकाश मिल रहा है तो प्रकाश शक्ति है। और एक दूसरी शक्ति भी होती है दाहिका, उसको बोलते हैं दाहिका शक्ति। दाहिका शक्ति से क्या है, हमको उष्णता प्राप्त होती है, हमको गर्मी प्राप्त होती है। तो जो सूर्य है उसमें क्या है, ये रूप तन मात्रा दोनों शक्तियां हैं, उस तन मात्रा में दोनों है, प्रकाशिका भी है और दाहिका भी है। हमने देखा है ना कि सूर्य जब चमक रहा है सूर्य, तो हमको उष्णता भी मिलती है और प्रकाश भी मिलता है ना, दोनों चीजें हमको मिलती हैं।
तो जो प्रकाशिका शक्ति है वो तो उसको तो ऊपर भगवान ने यहाँ पर जो प्रभा के रूप में कहा है वो कौन सी शक्ति का प्रयोग किया है, जो प्रकाशिका शक्ति है प्रकाश की शक्ति को उन्होंने यहाँ पर बताया कि उनमें चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश की शक्ति है, प्रकाश देने का जो तन्मात्रा है वो मैं ही हूँ, है ना। और इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि दाहिका शक्ति जो है, जो जो सूर्य है उसमें तो दोनों है, इसी तरह जो अग्नि तत्व है अग्नि तत्व में भी क्या है, दोनों ही शक्तियां हमको मिलती हैं। अग्नि से क्या होता है, प्रकाश भी मिलता है हमको, रोशनी भी होती है ना, और दूसरा क्या है, उष्णता भी मिलती है। कहीं भी अग्नि है, जैसे आजकल सर्दी है तो जगह जगह हम देखते हैं अग्नि जला के भी बैठे होते हैं, या किसी भी प्रकाश की अग्नि के द्वारा हमको उष्णता भी प्राप्त होती है, तो उसमें भी ये दोनों शक्तियां हैं। और लेकिन जो है हमने चंद्रमा देखा है, चंद्रमा में क्या है, दाहिका शक्ति नहीं है, है ना, उसमें क्या है प्रकाशिका शक्ति है, और प्रकाशिका के साथ ही उसमें एक सौम्य शक्ति है जो हमको की बड़ी शीतलता प्रदान करती है और बड़ी हमको शांति मिलती है, बड़ी कूलनेस मिलती है ना, जब हम चंद्रमा की रोशनी में जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रभास्मी जो चंद्रमा और सूर्य की जो उनमें जो प्रभा की शक्ति है, जो प्रकाश की शक्ति है, वो मेरे द्वारा ही है। भगवान मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ में जो कुछ भी आपको प्रकृति में दिख रहा है सब कुछ वो क्या है, उसमें जो मेन कॉन्शियसनेस है, जो मेन चेतना है, वो क्या है, वो मेरी ही है। तो आगे यहाँ पे कहा है उन्होंने प्रणवा सर्व वेदेशु, प्रणव प्रणव मंत्र तो हम सब जानते हैं, ओंकार को क्या कहा जाता है, प्रणव कहा जाता है, सर्व वेदेशु सब वेदों में, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सब वेदों में जो ओंकार का शब्द है वो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा माना जाता है ना कि सबसे पहले जो है प्रणव ही प्रकट हुआ है। और जितने भी वेद हैं अगर हम उनको देखें तो वेद मंत्रों में जो प्रारंभ भी हम किससे करते हैं, ओम से ही करते हैं। कोई भी मंत्र होगा उसका उच्चारण अगर हम देखेंगे तो ओम से ही वो शुरू होगा। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि वेदों में जो प्रणव का आया है, जो प्रणव की इम्पोर्टेंस है, जो प्रणव से ही सब निकल के शब्द आए हैं, वो मैं ही हूँ। वो प्रणव का शब्द, वो ओंकार का शब्द जो है वो मैं ही हूँ, मेरे से ही आया है। और अगर प्रणव का शब्द निकाल दिया जाए तो वेद का क्या होगा, वेद का वो स्वरूप ही नहीं रहेगा, है ना। तो मेन जो है वो यही बता रहे हैं कि ओंकार मतलब मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, जितने भी हम शब्द जितना भी हम सब कुछ देखते हैं वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। शब्द खे, अब जो खे खे का मतलब क्या होता है, आकाश में जितने भी शब्द हैं, अब आकाश में मैंने पहले भी अभी ये बता रहे थे कि तन्मात्रा के द्वारा ही हम आकाश में जो साउंड एक जगह से दूसरी जगह जा रही है वो आकाश के द्वारा ही जा रही है, ध्वनि जो जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि वो शब्द रूप मैं ही हूं, जितना भी है शब्द के रूप में जो उसकी आकाश की तन्मात्रा है वो मैं ही हूं। और आगे का है पौरुषम ऋषु, मनुष्यों में जो पुरुषार्थ का स्वरूप है, जो मनुष्यों में जो पौरुष होता है, जो बल होता है, जो शक्ति होती है जिसके के द्वारा की काम किया जाता है, वो क्या है, जिसके द्वारा की हम कुछ भी करने के सक्षम होते हैं, वो क्या है, वो पुरुषार्थ जो है मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही वो पुरुषार्थ मनुष्यों को दिया गया है। वो ज्ञान जो प्राप्त करना चाहता है वो भी मेरे द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसे कोई निर्धन है वो धन को प्राप्त करना चाहता है, और धन को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, वो बहुत मेहनत करता है, तो वो मेहनत करने का जो उसको अंदर से प्रेरणा आ रही है वो मैं ही देता हूँ। कोई ज्ञानी बनना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, विद्या अध्ययन करना चाहता है, तो उसकी भी जो प्रेरणा उसको अंदर से आ रही है, जो वो पुरुषार्थ करना चाहता है, वो पुरुषार्थ का भाव क्या है, वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न किया गया है, मैं ही उसको उसके लिए प्रेरणा देता हूँ। तो ये यहाँ पर बताया गया। लेकिन हम पुरुषार्थ को भी क्या समझते हैं, हम संसार के साथ जोड़कर उसको पुरुषार्थ का मीनिंग ले लेते हैं। हम कहते हैं कि मैंने बहुत पुरुषार्थ किया और धन कमाया, मैंने बहुत पुरुषार्थ किया, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन ये जो पुरुषार्थ है, जो संसारिक पुरुषार्थ है, वो कोई मायने नहीं रखता। वो सब पुरुषार्थ जो हमने किया है वो यही रह जाएगा, है ना। जो हमने धन इतनी मेहनत से धन कमाया, बहुत धन भी कमा लिया, तो क्या है, हमारे साथ जाने वाला नहीं है। बहुत ज्ञान भी हमने अर्जित कर लिया, उसके बढ़ी या कोई बहुत बहुत अच्छी उसमें प्राप्त कर लिया, तो भी वो हमारे साथ ज्ञान जाने वाला नहीं है, जो संसारिक ज्ञान है। हमारा पुरुषार्थ हमको किस में लगाना चाहिए, है ना, परमात्मा में लगाना चाहिए। कि ऐसी जगह हम अपना पुरुषार्थ लगाएं, उसको समझें कि जो
पहले भी था आगे भी रहेगा, जो हमारा जो संसारिक पुरुषार्थ हम जिसमें भी लगाते हैं ना, तो वो पहले था और ना वो बाद में रहेगा, है ना, वो तो यही का यही मिट जाएगा। लेकिन असली पुरुषार्थ हमको किसमें लगाना है, ब्रह्मत्व को जानने के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं वास्तव में वही पुरुषार्थ है। तो ये उन्होंने बताया है कि पुरुषों में जो सार चीज है, जो पुरुषार्थ की भावना है, वो मैं ही हूं। तो आगे वो कह रहे हैं अगले श्लोक में, पुण्यो गंधा पृथ्वी पृथ्वी व्याम च तेजश्चास्मी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मी तपस्विषु। वो आगे बात कर रहे हैं कि पुण्यो गंधा पृथ्वी व्याम, जो पृथ्वी की जो पृथ्वी में जो पुण्य गंध सी आती है, हमने देखा है ना जब बारिश होती है, पहली पहली बारिश होती है पृथ्वी, जब जमीन पर वो पड़ती है बारिश की बूंदे, कितनी अच्छी सुगंध आती है, बहुत अच्छी आती है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो गंध मात्रा, जो पृथ्वी की जो गंध है, उसमें जो सुगंध है वो मैं ही हूं। तो पुण्य यहाँ पर पुण्यो गंधा, गंध के साथ उन्होंने पुण्य का भी प्रयोग किया है कि पुण्य गंध यानी कि पवित्र गंध, यानी कि जो पृथ्वी की गंध है वो तो पवित्र ही है, जो स्वाभाविक रूप से जो हमको है वो पवित्र ही है। अब अगर इसके साथ हम ये बोलेंगे नहीं जी हमको तो दुर्गंध भी आती है, सुगंधी तो नहीं आती, लेकिन जो दुर्गंध है जो विकृति के कारण है, और विकृति क्या है, हमने ही प्रकृति को ऐसा बना दिया है कि वो सुगंध की जगह दुर्गंध आती है। अगर हम वेस्ट मटेरियल फेंकेंगे इधर उधर और बाकी भी कुछ उसको विकृत करेंगे प्रकृति को, पृथ्वी को, तो क्या होगा, दुर्गंध ही आएगी ना। तो वो कह रहे हैं कि जो उसकी पृथ्वी की जो वास्तविक गंध है, पवित्र गंध है, वो जो पवित्र गंध है उसको क्या है, वो मेरे ही कारण है ना। पुण्यो गंधो पवित्र्याम तेजस चास्मी विभावसो, और जो अग्नि में जो तेज है, अग्नि में जो तेज तत्व है, अग्नि के जो तेज रूप की तन्मात्रा है, वो क्या है, उसमें वो भी मैं ही हूं। अब अग्नि में जो कुछ भी हम डालते हैं वो लीन हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, ये जो करने वाला कौन है, अगर हम ये जाने कि वो करने वाला कैसे सब कुछ समाप्त हो जाता है। आप देखो लकड़ी जलाओ तो लकड़ी का क्या हो जाता है, वो रूप बिल्कुल ही बदल जाता है, राख ही हो जाता है। तो ये सब में वो कह रहे हैं कि तेज, अगर अग्नि का जो तेज है अगर उसमें से तेज निकाल लिया जाए तो अग्नि बचेगी ही नहीं, यानी जो कुछ भी है अग्नि में जो तेज है वो क्या है, वो मैं ही हूं। आगे बताया जीवन सर्वभूतेषु, और सब भूतों में, जो पहले भी बात आई थी कि सब प्राणियों में जो है बीज मैं ही हूं, उसी को यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं कि समस्त प्राणियों में जो एक जीवन शक्ति, जो प्राण शक्ति है जिसके कारण सब जी रहे हैं, जो जिसके कारण सब जीवित हैं, वो प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति के द्वारा ही प्राणी कहलाते हैं ना। तो वो प्राण शक्ति जो है वो मैं ही हूँ, जिसके द्वारा हमको ये लगता है कि जीवित है। कोई पौधा है, जब तक वो उसमें प्राण शक्ति है, वो जड़ से हटा दो काट के रख दो, देखो एकदम से मुरझा जाता है ना। और इसी तरह जो हम अगर नींद में भी हैं, जब भी हमारी चेतना जागृत रहती है तो हम कोई नींद में भी अगर बिल्कुल निश्चल भी कोई व्यक्ति पड़ा है या कोई पशु पड़ा है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ये मर गया है, क्योंकि उसमें जीवन शक्ति तो है। तो वो जीवन शक्ति जो है वो जो है वो मैं ही हूँ, ये कह रहे हैं यहाँ पर भगवान। तपश्चास्मी तपस्विषु, और जो तपस्वियों में जो तप है, जो तपस्वी जो होते हैं तरह तरह के तप करते हैं, हमने पहले भी ये देखा था, तप की जब बात आई थी कि तरह तरह के संसार में तरह तरह के तप है, कोई हठ योग कर रहा है, कोई किसी और तरह का तप कर रहा है, जितने भी जो तपस्वी हैं उनका जो तप है, तप क्या है, सहन करने की शक्ति। वो तरह तरह की बातों में सहन कर लेते हैं, जैसे कोई धूप में खड़े होकर तप करता है, कोई जल में रह के तप करता है, और इस तरह फर्क फर्क के तप है। तो उनको जो कष्ट सहने की जो शक्ति देता हूँ, जो तप करने की उनकी शक्ति आती है अंदर से, वो मैं ही हूँ। अगर तपस्वियों में से उनका तप निकाल दिया जाए तो उनको कोई तपस्वी नहीं कहेगा। अगर कोई व्यक्ति तप कर रहा है तभी तो उसको तपस्वी कहेंगे ना, अगर तप कर नहीं रहा तो वो तो ऑर्डिनरी आदमी हो गया, ऑर्डिनरी है। तो तप के द्वारा ही उसकी जो है हमको पता चलता है कि ये तपस्वी है। तो अगर तपस्वियों में से उसका तप निकाल दिया जाए तो वो तपस्वी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सारे श्लोक में और इससे पहले के श्लोक में भी
भगवान यही बार बार कह रहे हैं कि सृष्टि की रचना जो है मेरे द्वारा ही हुई है, मैं ही करता हूँ, मैं ही कारण हूँ, मैं ही कार्य हूँ, सब कुछ जो कुछ है मैं ही हूँ, मेरे से अलग जो है कुछ भी नहीं है, पैदा करने वाला मैं ही हूँ और सारा कुछ तुमको जो दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ। और सृष्टि का जब वो अंत हो जाता है उनका अपरा का, तो फिर तो भी वो मेरे में ही लीन हो जाता है, तो इसके मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। तो अगले श्लोक पे चलते हैं हम। बीजम मा सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मदामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। तो यहाँ पर भी आगे यही बात बता रहे हैं, बीजम मा सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। हे पार्थ, हे अर्जुन, तू ये जान, विद्धि मतलब जान, कि बीजम मा सर्वभूतानाम, सारे भूतों में सारे प्राणियों में बीज रूप से नहीं हूँ। देखो एक ही बात को बार 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 अर्जुन को, जैसे किसी को समझाने के लिए हम बार बार रिपीट करते हैं ना, किसी बच्चे को कोई बात याद करानी होती है तो हम बार बार कहते हैं अच्छा इसको रिपीट करो, अच्छा इसको इस तरह से नहीं दूसरी तरह से। तो ऐसे ही वो, क्योंकि अर्जुन को वो चाहते हैं कि अर्जुन को पूरी तरह से वो इसमें सक्षम हो जाए, ज्ञान उसको पूरी तरह से इस बात का पता चल जाए, तो बार बार किसी एक रूप में कभी दूसरे रूप में बार बार वही बातें उसको बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि सनातनम, ये जो मेरा बीज है वो सनातन है, मैं अविनाशी हूँ, जो बीज रूप में है वो उसका कभी भी नाश नहीं होता। तो और बीज रूप से क्या है, जो मैं ही हूँ। प्रकृति में भी देखो, हमने देखे हैं कि एक ही वृक्ष से कितने ही बीज उत्पन्न होते हैं ना, और बीज से फिर वृक्ष पैदा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने अंतर बताया है कि जैसे वृक्ष से बीज पैदा होता है, और बीज जब अंकुर निकल आता है, जैसे बीज हमने कोई बोया उसका अंकुर निकलेगा और अंकुर से वो वृक्ष बन जाएगा, तो बीज तो स्वयं मिट जाता है ना, बीज का तो नामो निशान नहीं रहता, हालांकि बीज के अंदर ही सारा वृक्ष समाया हुआ है। वृक्ष के अंदर हमको ऐसे पता नहीं चलता, हम अगर किसी को ऐसे देखें हमको पता नहीं चलेगा कि इस बीज में क्या क्या छुपा हुआ है, इसके किस तरह के पत्ते निकलेंगे, किस तरह का होगा, और इतनी विभिन्नता है कि एक बीज के अंदर ही मतलब जब पौधा बनता है तो कोई दो पत्तियां एक जैसी नहीं है, कुछ भी एक जैसा नहीं होता, कोई दो पौधे भी एक जैसे नहीं होते, ऐसी तरह कोई मनुष्य भी दो एक जैसे नहीं होते, है ना। तो वो कह रहे हैं कि मैं ही सनातन, जो जो अपरा प्रकृति में जो भी सृष्टि बन रही है मिल रही है उसमें तो वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो परा प्रकृति में है वो मैं जो है, मेरे से अगर उत्पन्न भी हो रहे हैं लेकिन मैं वही का वही हूँ, मेरा नाश नहीं होता, मैं अविनाशी हूँ, मैं पैदा हुआ हुआ बीज नहीं हूँ। अपरा में तो जो बीज बन रहे हैं, जो हम पौधे से फल बना, फल से बीज बने, वो तो क्या है, बीज का रूप जो है वो नष्ट हो जाएगा, वो पौधा बन जाएगा, लेकिन जो ब्रह्म तत्व है, जो उसके अंदर की जो पराशक्ति है, जो परा प्रकृति है, वो क्या है, वो अविनाशी है, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि हम अपने द्वारा ही एग्जाम्पल लें कि जो हमारा शरीर है, शरीर में तो चेंज आता है लेकिन आत्मा में कोई चेंज नहीं आता, और जब हमारा शरीर भी नष्ट हो जाता है, जब हमारा मृत्यु हो जाती है शरीर का, तो तब भी हमारी क्या है, आत्मा में तो कोई अविनाशी है, आत्मा वो क्या है, नया शरीर धारण कर लेती है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि जो भगवान जो है वो जो उनकी जो मूल चेतना है जो है वो कभी खत्म नहीं होती, है ना, जो बाकी का सबका नाश हो सकता है लेकिन वो अनंत जो चेतना है वो एक ही रहती है। और इसी तरह जो जैसे तरह तरह के सृष्टि में होता है, तरह तरह के भेद है, तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के हम मनुष्यों में देखते हैं, हर एक थोड़ी सी जगह के बाद जो है रंग रूप बदल जाता है, कितनी तरह के रंग रूप के हैं मनुष्य हैं, बोलचाल कितनी है, लेकिन सब कुछ कितनी तरह की जाति है। और इसी तरह हम पशुओं में भी देखते हैं, है ना, अब डॉग्स को ही लो या किसी भी पशु की जाति को लो, इतनी तरह की जातियां हैं और कई एक जैसे भी होते हैं लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ अंतर होता है ना। हमारा का अगर कोई पेट है हम उसको पहचान जाएंगे, गाय हमको एक जैसी दिखती है लेकिन जो उनको पालने वाले हैं उनको सब पता होता है कि कौन सी गाय उनकी है कौन सी नहीं, तो मतलब बहुत अनेकता है इसमें। लेकिन इसी तरह मनुष्यों में भी है, लेकिन भगवान ने इतना सबको अलग अलग भी बनाया और एक जैसा भी बनाया, सब कुछ के सब सिस्टम्स एक जैसे हैं, है ना,
सब में वही बाहर से भी सब वही है। जैसे अगर कोई मनुष्य है तो सबकी उसकी दो आंख नाक कान सब कुछ एक जैसा बनाए, लेकिन अंदर से इतनी विभिन्नता दी है कि आज भी ये आश्चर्य का विषय है कि जो हमारे ये अंगूठे की जो आगे की जो प्रिंट है वो सबका अलग अलग है। आज भी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए अंगूठे का ही निशान लिया जाता है ना, कितनी भिन्नता है। तो यही सब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि इतनी अनेक भिन्नता होते हुए भी जो उसके अंदर जो बीज है, जो उसके अंदर का जो है ब्रह्मत्व है, वो वही है, मूल चेतना जो है वही है, और तरह तरह से वो प्रकट हो रही है, प्रत्यक्ष रूप में भी और अप्रत्यक्ष रूप में भी वही चेतना प्रकट हो रही है। तो आगे बुद्धिर बुद्धि मताम अस्मि, जो बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूं। अब ये बुद्धि जो है भगवान ने ही दी हुई है, हमको विवेक हमको किससे पता चलता है, हम कोई भी हम कार्य करने लगते हैं तो हमारी बुद्धि द्वारा ही हमको पता चलता है ना विवेक से कि हम ये कार्य करें या ना करें। तो बुद्धिमानों में जो बुद्धि है वो क्या कह रहे हैं कि बुद्धिमानों में बुद्धि जो है वो मेरे ही द्वारा है। और आगे तेजस तेजस्वी नाम हम, और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। अब तेजस्वी कौन है, जो जीवन मुक्त हो गए, जो महापुरुष है, जो योगी है महायोगी है, उनमें क्या होता है कि एक अलग तरह का तेज होता है ना, विशेष तेज होता है जो उनको अंदर से ही आत्मबल से उनको प्राप्त हुआ है। तो वो तेज है, वो कह रहे हैं वो तेज मैं ही हूँ। देखो किसी भी अच्छे आप महापुरुष के पास महात्मा के पास किसी के पास भी आप जाते हैं तो आपको इतनी शांति इतना सुकून इतना अच्छा लगता है उनको मिलके, है ना। तो उनकी एक ऑरा ही अलग है। तो वो जो ऑरा समझ लीजिए आप इसको तेज को, कि वो जो है वो अलग ही है, उसमें जो ऑरा है जो उनका तेज है वो मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही उनको वो तेज दिया गया है, वो दिव्य जो है तेज दिव्य संपत्ति है एक तरह का, तो वो मेरे द्वारा ही दिया गया है। जैसे कि हम महात्मा बुद्ध की उसमें भी अंगुली मार की आती है, और उनके पास जो भी दुर्गुणी दोष वाला कोई भी व्यक्ति जाएगा वो अपने आप क्या होता है उसका सदाचारी बन जाता है, वो अच्छे स्वभाव का बन जाता है, अपने आप ही जो दुर्गुण है उसके नष्ट हो जाते हैं। तो उसका जो तेज है वे मैं ही हूँ। तो भगवान यही यहाँ पे बता रहे हैं कि सभी दृष्टियों से जो है भगवान ही अनंत है, उनका अंत नहीं है, उनका क्योंकि उनका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, अनादि है वो, अनंत है। तो यही हमको यहाँ पे समझना है कि हम क्या समझे कि मूल चेतना के द्वारा ही ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, और मूल चेतना ही सब में व्याप्त है, हम में तुम में जितने प्राणी है, सारी सृष्टि की रचना जो है उस ब्रह्म के द्वारा ही की गई है, और सभी में हमको उसी का ही रूप देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल है समय हो गया है, तो जैसा आप कहें, मैंने प्रयास किया आप सबको थोड़ा सा दीदी। वैसे हाँ, जो एक और है अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बलम बलवंताम चाहम, ये वाला 11 था। हाँ तो कर लेते हैं, वो छोटा ही है, ठीक है। हाँ कर लेते हैं, छोटा सा ही तो पूरे, क्योंकि दोनों साथ में ही है ना ये। हाँ जी ठीक है, तो अगला हम श्लोक लेते हैं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत शुभा। तो यहाँ पर ये बताया गया, इसका शाब्दिक अर्थ तो ये है कि बलवानों में मैं आसक्ति और काम रहित बल हूँ। जो बल है बलवानों में, जो बल है वो मैं ही हूँ। अब काम से यहाँ पर क्या भाव हमको लेना चाहिए कि जितने भी हमारी डिजायर्स हैं, अब डिजायर्स की जो कामनाएं होती हैं उसके जो इंद्रियों की हमारी कामनाएं हैं वो यहाँ पर क्या है, राग विवर्जितम, लेकिन उनमें जो संपर्क में आने वाली जो है अटैचमेंट उससे रहित जितना भी बल हूँ। ऐसा नहीं कि जो बल हमको, हम अगर कोई कहेंगे हमारी डिजायर्स हमारी ये है, संसार के डिजायर्स है, उनको हम पूरा करने में जो बल लगा रहे हैं वो भगवान दे रहे हैं, वो भगवान हमको नहीं दे रहा है ना। ऐसे तो डिजायर्स को पूरा करने के लिए तो हमको बहुत बल की आवश्यकता है, हम संसार की वस्तुओं का लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम बल जो प्रयोग करते हैं वो उस बल की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। हमको जो वास्तव में जो हमको आसक्ति के बिना जो हमको शरीर के पोषण के लिए जो भी हमारी नेसेसिटीज हैं, जो कि हमको पूर्ण करने के लिए संसार में रहने के लिए जो हमको चाहिए उसके लिए जो बल का प्रयोग हो रहा है वो कौन है, वो मैं ही दे रहा हूँ। तो जो इंद्रियों के विषय में तो देखो डिजायर्स तो
कभी कम होती नहीं है ना डिजायर्स के लिए। तो हम जितना भी बल प्रयोग करेंगे, हम कोई धन इकट्ठा करना चाहते हैं, हम और जैसे संसार की वस्तुएं लेना चाहते हैं, हम जैसे एक कार है हम और लेना चाहते हैं, उसके लिए भी बल की आवश्यकता होगी। बल मतलब कि हम पैसा कमाने के लिए तो पौरुषता की आवश्यकता होगी ना। तो वो कह रहे वो वाला यहाँ पर नहीं होगा कि जितनी जरूरत की चीजें इंसान को चाहिए उतने के लिए जो भी अनिवार्य बल है वो मैं ही हूँ। वे बल वे शक्ति जो इंद्रियों में आती है मेहनत करने के लिए, जैसे कोई इंसान खेती करता है उसको खेती करने के लिए जितना बल चाहिए, या जीवोपार्जन के लिए कोई भी काम करने के लिए उसको जो बल चाहिए, वो बल को देने वाले वो कौन है? क्योंकि प्राण शक्ति के द्वारा ही हमको बल मिल रहा है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो बल तो जो क्या है वो मैं ही देता हूँ। जैसे कठिन से कठिन काम करने के लिए कई बार क्या है बल की जरूरत होती है, और कई बार क्या हमने देखा कि आत्मबल विल पावर उस वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कोई काम हम कर नहीं सकते, हम शारीरिक उससे देखे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम जो आंतरिक बल होता है उसके द्वारा हम कर लेते हैं। हमने पतंजलि योग सूत्र में भी हमने योगियों की कईयों की हमने विभूतियों की बातें सिद्धियां हमने पढ़ी थी कि अपने बल के द्वारा जो योगी होते हैं उनका शारीरिक कितने रूप से वो सक्षम नहीं होते, ऐसे वो नहीं दिखते कि बहुत वो हष्ट पुष्ट है या बहुत ही बलवान है, ऐसे नहीं होते। लेकिन वो अपनी यौगिक शक्तियों के द्वारा अपने आत्म बल के द्वारा वो कुछ भी करने के वो संभव हो जाते हैं। तो ऐसी शक्तियों के बारे में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उनका उत्साह है, जो कामना रहित जो उनकी आसक्ति वो है, जो शुद्ध निर्मल उनका जो बल का रूप है, जो स्वरूप है, वो क्या है? वो मैं ही उनको देता हूँ। जो बल हमको चाहिए संसार में रहने के लिए, वो बल के कहाँ से आ रहा है? हमको ब्रह्म से ही आ रहा है, वो चेतना के रूप में हमको वहीं से प्राप्त हो रहा है। और अगली लाइन में आया है धर्म धर्मा विरुद्धो भूतेशु काम्योस्मी भर्तर्षभा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन यहाँ पे धर्मा विरुद्धो, हम कभी बार अगर इसको संजीव विच्छेद में नहीं देखेंगे तो हमको लगेगा कि धर्म विरुद्ध, पर ये यहाँ पर जो शब्द है इसकी संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो यहाँ पर है धर्म अविरुद्ध, मतलब जो धर्म के अविरुद्ध नहीं है, जो धर्म युक्त काम है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भरतर्षभा का मतलब है भरत वंश था ना, तो भरतवंशियों में जो श्रेष्ठ है, हे अर्जुन, जो धर्म से युक्त जो भी काम करने की जो प्रेरणा मिलती है, जो हम धर्म में आगे बढ़ते हैं, जो तो वो धर्म की प्रेरणा भी हमको किससे मिलती है? वो जो बल हमको मिल रहा है वो भी हमको किससे मिलता है? भगवान के द्वारा, हमको ब्रह्म के द्वारा ही वो मिलता है। और शास्त्रों की आज्ञा अनुसार ही जो नियमों का हम पालन करते हैं तो उसमें हमको जल्दी जल्दी उन्नति होती है। हम धर्म के उसपे चलते हैं तो हमारी क्या है उन्नति अधिक होती है। तो यही यहाँ पर बताया कि जो शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक है और जो योगाभ्यास में हमारे सहायक है, और अंत में जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो धर्म पे चलते हैं, धर्म की मर्यादा के अनुसार जब हम काम करते हैं तो हम आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये जो काम है उसको करने की जो शक्ति है वो भी भगवान कह रहे हैं कि वो मैं ही देता हूँ। अर्थात सब तरह का बल, अगर हम धर्म में थोड़ा सा भी, भगवान की एक जगह वो भी आती है ना कि प्रतिज्ञा भी आती है कि तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ो, मैं 10 कदम तुम्हारे आगे बढ़कर तुम्हारी बात थाम लूंगा, ऐसे आती है भगवान की प्रतिज्ञा। तो हम अगर धर्म में आगे बढ़ते हैं और धर्म की राह पर ही चलते हैं तो हमको जो है भगवान भी उसमें सहायता करते हैं। हमने देखा है ना, अगर हम ध्यान में भी अगर चाहते हैं, हम लोग कोई ना कोई ऐसा जरूर हमारा, अगर हमारे अंदर से जिज्ञासु है, हम अंदर से हमारी जिज्ञासा है कि हम आगे बढ़े, तो हमको कोई ना कोई ऐसा साथी, कोई ना कोई ऐसा गुरु, कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाता है जो कि हमको उस धर्म की राह पे हमको अग्रसर कराना चाहता है। अब देखिए आजकल ही देखिए कोविड में ही जब कोई और साथी नहीं था, कुछ भी और वो नहीं था, तो हमको जूम मिल गया है ना। जूम के द्वारा ही हमारे अंदर जिज्ञासा थी ना कहीं ये बीज था कि हम आगे बढ़े, आगे हम ध्यान कैसे सीखे, और इसी उसमें कितने लोग जुड़ गए और भी अब जुड़ते जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर भगवान का, यहाँ पर ब्रह्म का कहना यही है कि अगर आप धर्म की राह पर चलते हैं तो आपको ऐसे अपने आप से ही जो मैं रास्ता तुम्हारा है वो सुलभ कर देता हूँ। तो हम ये अपने जीवन में भी देख रहे हैं। तो ये
वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूँ और सब में जो भी है वो मैं ही हूँ। अगर तुम यही समझोगे कि मैं ही सब जगह हूँ, सब रूपों में मैं हूँ, सब जगह भगवत रूप ही देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ, किसी और के अंदर भी मैं हूँ, सब में मैं ही मैं हूँ। तो हम फिर वो दुष्कर्म कर ही नहीं पाएंगे, हम किसी को बुरा भला कह ही नहीं पाएंगे, हम किसी की हिंसा कर ही नहीं पाएंगे, सबसे अच्छा ही बोलेंगे, सब कुछ मतलब अच्छा ही अच्छा होगा। अगर हम ये अपने अंदर से हमको पता चल जाए कि सब कुछ ब्रह्म का ही है, हम भी ब्रह्म के हैं, सारी सृष्टि के रचयिता भी वही है और मूल चेतना से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो हम अपनी चेतना को और अपना हम आगे बढ़ेंगे, धर्म में भी आगे बढ़ेंगे, औरों को भी साथ लेके चलेंगे, अपने आप भी बढ़ेंगे और अपने आप वो रास्ता खोल भी देते हैं, अपने आप से रास्ते खुल जाते हैं, तो इसी तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो यही पे मेरे ख्याल है विराम देते हैं, तो आगे अगली बार हम लोग 12th वाले श्लोक से चलेंगे। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू इंदु जी, बहुत समझ में आया, बहुत बहुत आभार। अगेन वही पराशक्ति, पराशक्ति के बारे में, यानी पराशक्ति में से जितनी भी हमारी शक्तियां निकल जाएं, जड़ चेतन जितने शरीर धारण हो जाए, चाहे वो जीव जंतु के हो, पेड़ पौधों के हो, उसके बाद भी पराशक्ति हिल नहीं सकती, वो वहां की वही रहती, उतनी ही रहती है, भरी है, हो ही नहीं सकता। सच बहुत ही अच्छा लगा सुन के दोबारा से ये सब। थैंक यू इंदु जी, बहुत अच्छा लगा। कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप पूछ सकते हैं उनसे, इन श्लोक से रिलेटेड हो या फिर ध्यान की कोई एक्सपीरियंस सुनाना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, तो सबका स्वागत है। अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर एक बोल रहा है तो प्लीज दूसरा जना ना बोले बीच में, जब वो खत्म हो जाए तब हम दूसरा अगर बोले तो अच्छा रहेगा, आराम से हम सुन पाएंगे और समझ भी पाएंगे, क्योंकि एक का क्वेश्चन होता है कईयों को उनके आंसर मिल जाते हैं। मुझे यस सरला जी, सरला जी कह रहे थे, सरला जी मैं ये कह रही थी कि अपरा में जो 8 शक्तियां बताई हैं भगवान जी की, उसमें अहंकार भी है, तो हम अहंकार को फिर बुरा क्यों मानते हैं? हम ये क्यों कहते हैं कि हमें व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए? नहीं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। पिछली बार का अगर आपने सुना होगा। नहीं, मैंने नहीं सुना था। अच्छा, पिछली बार का आपने सुना नहीं, पिछली बार की अष्टधा प्रकृति पे बात आई थी कि अष्टधा प्रकृति है जो भगवान की, उसमें ये पांचों भूत और मन बुद्धि अहंकार आता है। तो अहंकार की हमने बताया कि अहंकार एक सीमा पे खड़ा है, अहंकार के एक तरफ परा है और अहंकार के एक तरफ अपरा है। उस अहंकार को यहाँ पर अगर हम जो बात करते हैं, हम मतलब एक तो हम जीवात्मा की बात करते हैं, जो जीवात्मा की हम बात कर रहे हैं कि करने वाला कौन है, करने वाला मैं हूँ, वो कह रहे हैं ना कि मैं हूँ करने वाला। तो यहाँ पे जो मैं की बात आ रही है, वो जो अहम है, जो अहम की भावना आ रही है, वो पराशक्ति में है, वो बड़े मैं की बात आ रही है कि मैं करने वाला हूँ। लेकिन जब हम अपरा की तरफ चलते हैं, उसी अहम को हम, उसी मैं को, उसी अहंकार को हम संसार की तरफ जोड़ लेते हैं कि संसार में मैं ही करने वाला हूँ, मैंने मेहनत करी तो मैंने ये धन अर्जित किया, मैंने पुरुषार्थ किया तो मैं ज्ञान अर्जित कर। आज भी इसे एक श्लोक में बात आई थी कि जब करने वाला वही है, लेकिन जब उसको हम संसार की चीजों में, संसार में जोड़ लेते हैं तो वो अहंकार बन जाता है ना। हमने देखा है कि विषयों के द्वारा जो हम संचित करते हैं, विषयों के जब हमारी इंद्रियां हम कोई आसक्ति रखते हैं परितार्थ में, हम जो हमको प्राप्त हो जाता है तो उसमें क्या है, सारा जो जड़ है, जो हमारी इच्छाएं हैं, अहंकार का कारण भी क्या है, हमारी इच्छाएं हैं। इच्छाएं अगर हमारी बलवती हो जाती है तो क्या होता है, हम उसकी प्राप्ति के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं। अगर कोई हमको वो प्राप्ति नहीं होती तो हम, कोई बाधा आती है तो हमको क्रोध आता है, और अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, हमारी और इच्छाएं और इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है, और इच्छाएं अगर हमारी पूरी हो गई तो हमको उन वस्तुओं के साथ क्या हो जाता है, मोह हो जाता है ना, ये मेरी वस्तु है। और फिर उसके बाद क्या, लोभ भी हो जाता है, लोभ हो जाता है, कैसे, हम और इकट्ठी करना चाहते हैं, और जब बहुत इकट्ठी कर लेते हैं हमारे समाज में और में, तो क्या हो जाता है, हमको अहंकार हो जाता है कि मैं तो बड़ा हूँ, मैंने तो ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया, मैंने तो ज्यादा वस्तुएं इकट्ठी कर ली संसार की, है ना। तो ये वाला अहंकार और उस वाले अहंकार में थोड़ा सा अंतर है,
ये जो हम संसार की वस्तुओं के प्रति हम अहम हमारे अंदर से जाते हैं कि मैंपन है, मैंने अपने शरीर के द्वारा संसार की वस्तुएं प्राप्त कर ली, तो वो तो अहंकार है ना। और एक अहम है जो मैं हूँ, जो वो सत्ता है, जो परमेश्वर की सत्ता है, जो ब्रह्म की सत्ता है, वो मैं जब अगर आता है तो वो परावली में आता है कि करने वाला मैं हूँ, जो हमारे अंदर बैठा हुआ मैं हूँ वो मैं हूँ। बहुत तो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू। तो ये अंतर है, ये पिछली बार का आप सुनना चाहेंगे तो यूट्यूब पे सुन ली, पिछली बार बहुत डिटेल में आया था पिछली बार का। वो वीडियो है, वो हमारा वीडियो है यूट्यूब पर, हाँ मैं देख लूं, हाँ उसमें देखिएगा। थैंक यू सरला जी, आपने पूछा, मुझे लगता है औरों को भी कोई डाउट रहा होगा तो जरूर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू इंदु जी। यस फ्रेंड, कोई और कोई क्वेश्चन है? एक्सपीरियंस यस नीरू जी, आप कहना चाहते हैं कुछ? हाँ जी दीदी, मैं दो लाइनें बोल रही हूँ, ये जो इन्होंने श्लोक बोले थे ना उसके बारे में ही, मैं खाली दो लाइनें हैं। सुन अर्जुन, कुछ नहीं मेरे सिवा, ना मुझसे है बरकर कोई दूसरा, पुरोया है सब कुछ मेरे तार में, कि हीरे हो जैसे किसी हार में। ये कन्हैया ने ये बोला है कि मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझसे बढ़कर भी कोई नहीं है, सब कुछ मेरी तार में ही पिरोया, जैसे किसी हार में हीरे पिरोए होते हैं, ऐसे कन्हैया ने बोला है। ये जो बात आ गई, हाँ जी, जो इन्होंने परापरा की बात करी है कि मतलब ये जो सूत का एक उन्होंने उदाहरण दिया कि सूत की अगर मोती है, सूत की अगर माला है, उसमें यही बाहर से पर जो उसका अंतर एक ही है। अर्जुन से यही कह रहे थे ठाकुर जी कि भाई मेरे सिवा कुछ नहीं है, मेरे से बढ़कर भी कोई नहीं है, रोया है सब कुछ मेरी तार में, कि हीरे हो जैसे किसी हार में, उन्होंने ऐसे बोला। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू इंदु जी। यस, कोई भी पूछना चाहते हैं तो कोई भी नए जो जुड़े हैं वो भी आगे आए, मेरा एक्सपीरियंस भी सुनो आज का, पहले सुनाइए, बिल्कुल हम तो वेट कर रहे हैं। हाँ दीदी, आज मुझे बद्री नारायण जी के मतलब कि जो कपाट है हर कलर में होता है ना उनका बाहर का सारा, तो वो सारा मेरे सिर पे ऐसे ऐसे ना पूरे वैसे ही ना कलर्स घूम रहे थे पूरे, मतलब ऐसे राउंड बनकर, और फिर जो उनका गेट है एंट्रेंस जैसे जाते हैं उसमें से ऐसे बहाव आ रहा था जो मेरे यहाँ पड़ रहा था कि जैसे दूध होता है, और जैसे वहां जाओ तो एकदम गंगा बह रही होती है ना नीचे अलकनंदा वगैरह, और इतना बहाव व्हाइट कलर का होता है, वैसे सारा मेरे यहाँ वहां उस दरवाजे से आ रहा है। और फिर बाद में क्या हुआ, उस दरवाजे में पूरे विष्णु भगवान जी मुझे खड़े हुए नजर आए। वाह, बहुत सुंदर, विष्णु भगवान जी पूरे मतलब जब बद्री नारायण जी वहां पे भाई विष्णु जी है ना, तो वो विष्णु जी मुझे खड़े हुए नजर आए पूरे रूप में, बड़े रूप में। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जो बहाव कह रहे हो आप, ये भी एक लिक्विड एनर्जी है, जैसे हम कहते हैं ना एनर्जी फील करो, वो इस रूप में भी आती है, लिक्विड रूप में भी आती है जो बहाव के रूप में, किसी को दूध किसी को शहद फीलिंग होती है। ठीक, बहुत सुंदर, थैंक यू, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक यू दीदी। यस फ्रेंड, कोई और किसी को पूछना है तो पूछ ले, कुछ कुछ भी कहना है तो। यस योगराज जी, मैं इंदु जी का बहुत बहुत धन्यवादी, हर बार की तरह हमें गीता से जोड़ते हैं और बड़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। साथ में प्रज्ञा जी का भी बहुत धन्यवादी है क्योंकि उन्होंने सारा कुछ ही अरेंज करती है, बिल्कुल धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद योगराज जी, आप दोनों को धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू योगराज जी। ये तो लगता है कि अब जब जब तक जीवन है मुझे करना है, कुछ तो करना है ना, नर्तन तो हमें यू ही मिला है ना, इसीलिए मिला है, खाना पीना बाकी सारे काम तो पशु भी कर रहे हैं, तो जो एक हमें एक अलग से अलंकार जो दिया है उन्होंने प्रभु ने, विवेक और बुद्धि का, उसका इस्तेमाल करना है ना, जन जन तक ध्यान पहुंचाना है और ज्ञान भी, तो जितना बन पड़ता है आपकी तरह ही है सब, तो जानते हुए वही सबको जना रहे हैं, वही बता रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू दीदी, थैंक यू इंदु जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रेखा गुप्ता जी, अच्छा कराया आपको, हाँ बहुत खूब, love you, love you, the masters.
थैंक यू फ्रेंड्स. अब जो कल हमारा सेशन है बुधवार को इस डॉक्टर सौरभ रंजन जी का है, जैसे अभी थर्सडे होता है उनका, पर इस पर कल है क्योंकि थर्सडे को शुभांगी जी आएंगे हमारे बीच, दो दिन के लिए उनका है. तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप उन कल फिर से जुड़े हम सब